कुलधरा, जहां एक रात में पूरा गांव वीरान हो गया। आखिर क्या कारण रहा होगा कि 1500 लोग एक ही रात में हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले गए। मस्तिष्क में जब यह प्रश्न गूंजता है तो स्वतः ही कई विचार शरीर के रोंगटे खड़े कर देते हैं। भयानक प्राकृतिक आपदा, कोई पारलौकिक शक्ति या फिर किसी निर्दयी मनुष्य का भय। इतिहास के पन्नों को पलटने के बावजूद प्रमाणित रूप से किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाती। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उन सभी संभावनाओं पर विचार करना है जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों, इतिहासकारों, लेखकों एवं तर्कशास्त्रियों के द्वारा आकलन किया गया है। पहली संभावना, सूखा। राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं शताब्दी में राजस्थान के पाली नामक स्थान से विस्थापित हुए कुछ ब्राह्मण, जिन्हें बाद में पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जाना गया, द्वारा बसाया गया था। इस भीषण रेगिस्तान में जहां अचानक ही रेतीले तूफान उठा करते थे, रहने का कारण मात्र एक था, काकनी नदी। सूखे एवं रेगिस्तान में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है पानी। जहां पानी वहां कृषि, और जहां कृषि वहां पर जीवन की उत्तम संभावना। किंतु रेगिस्तान से बहने वाली नदियों का एक विचित्र स्वभाव होता है। जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता और आसमान पर काले बादल दूर दूर तक नजर नहीं आते, वैसे ही रेत के ऊपर ठहरा हुआ पानी कुछ भाप बनकर और कुछ रेत के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। ऐसी स्थिति में स्वयं को जीवित रखने के लिए अंतिम व्यवस्था है जल संरक्षण, जिसके लिए निर्माण किया जाता है पोखर एवं गहरे कुओं का। अगला मानसून आने तक इन्हीं के भीतर मौजूद पानी ही जीवन का अंतिम समाधान है। किंतु 700 सालों में क्या ऐसा सूखा पहली बार पड़ा जिसके कारण लगभग 500 परिवारों को एक ही रात में किसी अज्ञात ठिकाने के लिए विस्थापित होना पड़ा? इसमें कितनी सत्यता है इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता, लेकिन क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? दूसरी संभावना, भूकंप। इतिहास साक्षी है कि भूकंप ने कई सभ्यताओं को समय के प्रवाह में ध्वस्त कर दिया है। अगर 5 से 7 रिक्टर स्केल का भूकंप रेगिस्तान के उस हिस्से में आए जहां पर भारी भरकम पत्थरों का बोझ ढो रहे रेत के कणों पर इंसानों ने रहने के लिए भवन बना रखे हों, तो रेतीली जमीन में उठने वाले कंपनों से किसी भी मकान को ढहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में मनुष्यों के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो इस आशंका के साथ उस मकान में टिके रहें, या फिर उसे छोड़कर किसी ऐसे स्थान के लिए निकल जाएं जहां पर ऐसा कोई खतरा ना हो। भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक उन स्थानों पर होता है जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के आसपास मौजूद होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जैसलमेर का ये क्षेत्र ऐसी एक टेक्टोनिक प्लेट के बेहद नजदीक है। तीसरी संभावना, महामारी। गहन रेगिस्तान में अगर आपको रहना है तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पानी की कमी के कारण आपको हफ्तों या महीनों में ही नहाना पड़ेगा, या फिर रोज के लिए कपड़ों से अपने शरीर को रगड़कर साफ करना पड़ेगा। गर्मी चाहे कितनी भी पड़ रही हो, लेकिन पानी आपको तभी पीना है जब बहुत अधिक प्यास लगी हो। इन चरम परिस्थितियों में कई तरह के जीवाणु एवं फंगस सक्रिय हो जाते हैं, जिनसे कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। रेगिस्तानी बुखार, खुजली, चमड़ी का कैंसर, माइकोटोमा, लिशमनियासिस, हैजा आदि। इसमें से कोई भी बीमारी जब महामारी बन जाती है और पूरे समाज के लोग इससे प्रभावित होने लगते हैं, तो क्या यह निर्णय लेना उचित नहीं होगा कि इस स्थान को ही त्याग दिया जाए? चौथी संभावना, पारलौकिक शक्ति। जिस तरह से मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा फिर भी उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, उसी तरह
ईश्वर का विपरीत रूप एक नकारात्मक ऊर्जा, जिसे देखा तो नहीं जा सकता लेकिन आभास अवश्य किया जा सकता है। हर उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है जहां प्रकृति स्वयं किसी सजीव के निर्माण का विरोध करे। संभव है कि 700 सालों से लगातार जमीन पर खेती करने से उसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई हो। यदि पोषक तत्वों की कमी होगी तो महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता और शिशु के जन्म लेने के समय उसके जीवित रहने की संभावना भी घटती जाएगी। संभव है कि गांव में बड़े पैमाने पर महिलाओं में बाष्पन एवं गर्भपात की घटनाएं देखी गई हों। प्राचीन काल में ऐसी घटनाओं को कुल देवता या कुल देवी के नाराज होने से जोड़कर देखा जाता था, जिसका समाधान पशु या मानव बलि देकर कुल देवता को प्रसन्न करना या फिर उस स्थान को अभिशप्त मानते हुए सदैव के लिए उसका परित्याग कर देना ही उचित माना जाता था। पांचवी संभावना, किसी मनुष्य का भय। 1899 में प्रकाशित पुस्तक तवारीखे जैसलमेर के अनुसार पाली नामक स्थान को छोड़ने के बाद कुलधरा को जिस ब्राह्मण ने बसाया उसका नाम था कधान। इसी वंश के लोग हमेशा इस गांव में मुखिया के रूप में चुने जाते रहे। 700 सालों से प्रचलित इस प्रथा में तब तक कोई व्यवधान नहीं आया जब तक इस वंश में पहली बार एक सुंदर स्त्री का जन्म हुआ, जिसे मुखिया के रूप में चुने जाने पर विवाद उठा। विवाद का निपटारा करने के लिए तत्कालीन राजा के मंत्री सलीम सिंह ने हस्तक्षेप किया। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर सलीम सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार किए जाने पर उसने लगान बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी न किसी बहाने से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा। आसपास रहने वाले ग्रामीण लोग ऐसा मानते हैं कि इसी कारण विवश होकर सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को छोड़ देने का निर्णय लिया। दिन में रेगिस्तान की गर्मी में अधिक दूर तक जाना संभव नहीं था, इसलिए गांव को त्यागने के लिए उन्होंने पूर्णमासी की ठंडी रात का इंतजार किया। इस तरह एक रात में यह पूरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी यानी लगभग 700 सालों तक इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने जीवंत रखा। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन लोगों के पास सोने के आभूषण बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे। रेत के नीचे गड्ढा खोदकर जिसे छिपा कर रखा जाता था। जब यह गांव वीरान हुआ तो कई लोगों ने सोने को पाने के लिए जगह जगह पर खुदाई कराई, लेकिन किसको क्या मिला इसका कोई प्रमाण इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता। स्थानीय लोग आज भी इस गांव को अभिशप्त मानते हैं। ऐसी ना जाने कितनी अफवाहें इस गांव से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण कई लोग इसे भूतहा घोषित कर चुके हैं। जनश्रुतियों के आधार पर यह पूरा गांव वास्तु दृष्टि के अनुकूल नहीं बसा है, जिस कारण यहां पर नकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रभाव है। क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण किसी की मृत्यु होने के बाद उनकी लाश को जलाते नहीं थे, बल्कि गांव के बाहर बने शमशान में ही दफन कर देते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस गांव में बुरी आत्माओं का वास है। इस जगह को विशेष बनाने के लिए अफवाहों को इतना ज्यादा तोल दिया गया कि लोग ये भी दावा करते हैं कि जो भी इस गांव की सच्चाई को जानने के लिए यहां पर रात भर रुका, अगले दिन उसका नामोनिशान तक नहीं मिला। निसंदेह तरह की बातें सुनकर इस स्थान को देखने यहां पर जाने की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कारण कुछ भी हो, लेकिन कुलधरा एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका संरक्षण करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए कुलधरा गांव को पर्यटन स्थल के रूप में महत्व दिया गया है। आशा है आपको ये वीडियो काफी तर्कपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के विषयों पर मैं वीडियोज बनाता रहूं, तो नीचे कमेंट में ऐसे किसी स्थान के बारे में अवश्य लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस जगह के बारे में शोध करके जो भी तर्क संगत तथ्य मिलेंगे उन्हें वीडियो के माध्यम से रोचक बनाते हुए आपके लिए प्रकाशित करूं। इससे पहले कि आप YouTube के किसी दूसरे वीडियो पर खो जाएं, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि हमारे और आपके बीच में भरोसे का एक गहरा संबंध बना रहे। वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए नीचे कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका PK सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।